कांग्रेस चीफ नाना पटोले का एक वीडियो सुर्खियों में है। उस वीडियो में दिख रहा है कि उनकी पार्टी का कार्यकर्ता उनके पैर पानी से धो रहा है। मामला इस कदर चर्चा में आ चुका है कि भाजपा ने नाना पटोले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तक शुरू कर दिया। इस वायरल वीडियो को लेकर जब हमने नाना पटोले से सवाल किए तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। ईडी मध्ये ज्यांना चिकल लागलेला आहे, या अंधारात तुम्ही धुताय, वॉशिंग मशीन मध्ये गुजरातच्या धुताय, ते काय ठिकाणी सांगत तुम्ही? इथं सांगितलं पाहिजे ना। माझं चिकल तर दिसतच होतं लोकांना। आखरी परंपरा आहे, वारकरी प्रथा आहे। अरे वारकरी प्रथेला ह्याच लोकांनी मोडकळीस काढायचा प्रयत्न केला होता पंढरपूरमध्ये साप सोडून। तर या महाराष्ट्राच्या परंपरेला सुद्धा हे लोक समजत नसतील तर आता त्याला दुर्भाग्य आहे आमचं। त्यामुळे आणि ज्या कार्यकर्त्यांनी केलं त्या कार्यकर्त्यांनी व्हिडिओ दाखवलेला आहे, तुमच्या मीडियावर दाखवलेला आहे। आणि मी तो पाणी टाकतोय, मी आपलं पाय धुतो आहे। आता जल में नल, हर घर में नल और जल में नल, वो भी रहता तो अपन को कार्यकर्ता को डालना नहीं पड़ता ना बहन। तो उस वीडियो में आप सच्चाई नहीं मानते हैं साहब? अरे सच्चाई नहीं यार, सच्चाई क्योंकि उसी वीडियो को लेकर आप पर आरोप। अरे भाई सच्चाई क्या है उसमें, गलत क्या है बताओ तो मुझे, मेरे आपको ही पूछ रहा हूँ। अगर आपके पैर में कीचड़ लगा है और मैं ऊपर से पानी डाल रहा हूँ, तुम पैर धो रही, तो क्या गलत क्या है? आरोप तो ये लगा रहे हैं सर कि कार्यकर्ताओं से पैर धुलवाना ही गलत है, ऐसा आरोप। पैर में कीचड़ किसी को लेकर भाजपा? अरे बहन पैर में कीचड़ तो दिख रहा है ना, वही दिखाया है ना उसमें कीचड़। वो कीचड़ मेरे पैर में लगा था जो उसमें दर्शन को गया था, वहाँ कीचड़ लगा था। ऊपर से वो पानी डाल रहा है, तो ऊपर से पानी, अगर हर घर में नल और जल रहता तो कार्यकर्ताओं को भी पानी नहीं डालना पड़ता। तो दोष तो किसको देना पड़ेगा? मोदी को देना पड़ेगा ना। तो नाना पटेल को दोषी बना रहे हो आप? तो जैसा आपने सुना, नाना पटोले ने वीडियो से इनकार ना करते हुए साफ तौर पर कहा है कि भाजपा वाले मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हैं, समय आने दीजिए, यही कीचड़ उन पर उछलेगा। नाना पटोले की इस प्रतिक्रिया पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।